नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की ओर से इन दिनों प्रस्तावित चौपाटी का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और आगामी जुलाई महीने में चित्तौड़गढ़ वासियों को चौपाटी की सौगात मिलेगी। इसकी जानकारी देते हुए नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। उसके बाद चौपाटी के निर्माण के लिए भूमि पूजन पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के कर कमलों से किया गया था, जिसमें कुल 15 दुकानें बनाई गई हैं। इस चौपाटी में व्यंजनों की दुकानों के अलावा झरने, उद्यान, झूले, बच्चों के लिए गेमिंग सहित कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। सर, बात की जाए चित्तौड़गढ़ वासियों को सीधे चौपाटी की सौगात मिलने वाली है, काम लगभग अंतिम चरण है, कब तक मिलेगी और क्या रहेगा चित्तौड़गढ़ वासियों के लिए? चौपाटी जो एक हमारे बोर्ड के सभी साथियों का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरा मानना है कि इसका कार्य लगभग 95% हो चुका है और जुलाई माह में हम ये चित्तौड़गढ़ शहर को सौगात दे देंगे। इसका जो भी अंतिम चरण का कार्य पूरा करके और जुलाई में हम जनता को समर्पित कर देंगे। किस सौगात मिलेगी? इसमें हमने 15 शॉप्स बनाई है और उनको हम नीलामी के द्वारा बेचेंगे। उसके बाद जो भी खाद्य पदार्थ से, जो खान पान से संबंधित जो प्रीपेड आइटम है, वो यहाँ हम परमिट करेंगे और उसी के अनुसार इसको हम नीलामी से बेचेंगे। गजसिंहपुर में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने गजसिंहपुर सहित बॉर्डर एरिया के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। सीमावर्ती क्षेत्र के 100 गांवों और गजसिंहपुर कस्बे के लोगों के बेहतर इलाज के लिए आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को लेकर विधायक कोष से 63.42 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। बता दें कि सीमांत क्षेत्र के लिए सरकारी अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी वर्षों से मांग की जा रही थी। कोई व्यक्ति बेहतर इलाज से वंचित ना रह जाए, इसका बीड़ा विधायक ने उठाया है। विधायक के इस कदम पर शहरवासियों और ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। कॉस्मेटिक गोदाम में तेज धमाके के साथ लगी आग में दो युवक जिंदा जल गए। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक काफी देर तक तड़पता रहा। धमाका इतना तेज था कि गोदाम के शटर के टुकड़े करीब 150 फीट दूर जाकर गिरे। शहर के पीडब्ल्यूडी रोड पर रावणा राजपूत समाज धर्मशाला के बाहर बने गोदाम में तेज धमाके के साथ आग की लपटें उठने लगी। गोदाम के बाहर बाइक पर खड़े छोगाराम और प्रवीण बुरी तरह से झुलस गए। लोगों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। छोगाराम ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि प्रवीण को गंभीर हालत में गुजरात के पालनपुर रेफर किया गया। दोनों युवक गोदाम में ही काम करते थे। हालांकि आग लगने के कारणों को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। मतलब आप कहाँ खड़े थे, हुआ क्या था? हम घर के आगे खड़े थे और जैसे ही कोई विस्फोट हुआ सर, हमने बगीचा दौड़ दौड़ा विस्फोट हुआ है तो तुरंत एकदम आग आग की लपेटें निकलेगी और सबसे पहले मैं और बगीचा राजेंद्र हिंगड़ा दोनों दौड़ गए। तब दोनों मोटरसाइकिल और दोनों मतलब क्लासें जल रही थी। फिर मैंने मेघवाल धर्मसार के जितने भी बच्चे थे उनको सभी को बुलाया। मैंने कहा आग लग गई है और यहाँ पर दो व्यक्ति जलते हैं और दुकान के अंदर पूरी तरह से आग लग चुकी है। मैंने कहा रेत लाओ, धर्मशाला के अंदर से रेत लाओ और उनको बुझाओ। और जिस तरीके सभी को वो व्यक्ति थे उनको दोनों को खींचा, उनके गले से नीचे नीचे हमने सबने रेत आग बुझाई और उसके बाद दोनों को एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस टाइम पे आई नहीं, उसके साथ हमने पुलिस थाने को कॉल किया, वो भी नहीं आई, फायर ब्रिगेड नहीं आई और उसके बाद हमने इतने लोगों की मदद से उसको आग बुझाने की कोशिश की। खबर सरदार शहर के मेहरासन उपाध्यान गांव से है, जहां ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन में ताला लगा रहता है। पंचायत भवन के तालों में बंद रहने से ग्रामीणों को जरूरी कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। पंचायत के कार्य भी सरपंच के घर पर बैठकर कागजों में ही निपटा लिए जाते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को पंचायत राज की योजनाओं का भी फायदा नहीं मिल पाता है। जागरूक लोगों की शिकायत पर पंचायत भवन की हालत जाकर देखी तो वहां कचरे व गंदगी के ढेर मिले। ग्रामीणों ने पंचायत भवन के कार्मिकों को ड्यूटी के प्रति पाबंद करने की मांग की है। प्रतापगढ़ शहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 5 माह से लगातार हो रही चोरियों को लेकर अब शहरवासियों में आक्रोश पनपने लगा है। पुलिस चोरों को ढूंढने में विफल हो रही है। प्रतापगढ़ शहर में गत रात्रि को भी नई सिविल लाइन अरनोद रोड पर बने राजकीय आवासों में 3 घरों के ताले तोड़कर चोरों ने लगभग 50 तोला चांदी, 6 से 7 किलो तोला सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शहर सहित जिले में कई जगह लाखों रुपए की चोरियां हो चुकी हैं, जिसका खुलासा अभी तक पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। पुलिस गश्त भी नहीं लगाती है, जिससे चोरों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं।
अलवर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत सेक्टर एक में रहने वाले परिवार में एक भाई बहन में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पिता बीच बचाव करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पिता को धक्का लग गया जिससे वो सीढ़ियों में गिर गए। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में भाई को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक सूर्य प्रकाश जलदाय विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी थे। इस संबंध में परिजनों ने पुलिस को अभी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया व मामले की जांच की जा रही है। सर बताएं क्या मामला है। रात को करीब 2 बजे सूचना मिली कि शिवाजी पार्क में झगड़ा हो रहा है। जहां पहुंचे तो 2 आदमी इंजर्ड थे जिन्हें हॉस्पिटल लेकर आए, तो एक व्यक्ति सूर्य प्रकाश पुत्र मदन गोपाल ब्राह्मण उम्र 70 साल निवासी वन के 176 की इमरजेंसी में डॉक्टर साहब ने डेथ होना बताया जिसको मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों से जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी आगे कार्रवाई की जाएगी, अनुसंधान जारी है। कमिश्नर 1 की DST जिला विशेष टीम ने भगत की कोठी शास्त्री नगर और रातानाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर 3 ठिकानों पर कार्रवाई कर करीब 70 किलो गांजा बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर NDPS में मामला दर्ज किया है। पहली कार्रवाई DST टीम ने भगत की कोठी स्थित एक चाय की थड़ी पर की। टीम ने वहां दबिश देकर 2 किलो अवैध गांजा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के PWD कॉलोनी में किराए के मकान से करीब 62.6 किलो गांजा बरामद हुआ है। वहीं मुखबिर की सूचना पर अमृता देवी सर्किल पर सुखाराम विश्नोई की तलाशी ली तो उसके पास से 5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज। नमस्कार।